भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी वरुण कुमार शर्मा के अपने पैतृक स्थान डलहौजी पहुंचने पर वन युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया, लोकसभा सांसद किशन कपूर, हिमाचल विधानसभा में मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल, अध्यक्ष जिला कृषि उपज मंडी समिति डीएस ठाकुर, उपायुक्त डीसी राणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस अरुल कुमार और स्थानीय जनता ने स्वागत किया। ग्राम पंचायत बाथरी में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान वन युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने वरुण कुमार शर्मा को शॉल, टोपी एवं चंबा थाल भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में राकेश पठानिया ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के 17 दिसंबर को प्रस्तावित शिमला प्रवास के दौरान वरुण कुमार शर्मा को 1 करोड़ की धनराशि व नियुक्ति पत्र शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग पर वरुण कुमार शर्मा के पैतृक गांव फाटी तक उन्होंने वन विभाग को 5 माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राकेश पठानिया ने उनके गांव में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम में वरुण कुमार शर्मा ने ओलंपिक आयोजन के दौरान खेल से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और प्रदेश सरकार का सम्मान देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद किशन कपूर ने वरुण शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को वरुण कुमार शर्मा से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। किशन कपूर ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारतीय हॉकी टीम के युवा सितारे वरुण कुमार शर्मा का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान वरुण शर्मा की माता श्रीमती शकुंतला शर्मा व पिता ब्रह्मानंद शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर, अध्यक्ष नगर परिषद डलहौजी रानी शर्मा, उपाध्यक्ष संजीव पठानिया, विभिन्न विभागों के अधिकारी और भाजपा मंडल डलहौजी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, जो भी यहाँ पे आए हुए मेरे लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो माइक के ऊपर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि हमारा खेलने कूदने का ध्यान रहता है, इसलिए। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कपूर सर और राकेश पठानिया सर और ठाकुर सर और बाकी भी जिनका नाम रह गया माफ करना मुझे, क्योंकि मैं इतना बोलता नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं चलता। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने काफ़ी अच्छा उपराला किया कि हाँ, एक ओलंपिक टोक्यो मेडल आया, तो एक सम्मान और ऑनर करने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने नाम राशि और जो भी मुझे पद दिया है उसके बारे में, पद के बारे में मैं सोचूंगा, बताऊँगा। और बाकी धन्यवाद करता हूँ। और टोक्यो ओलंपिक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद मतलब टोक्यो मेला मिला मुझे, पहला टोक्यो था मेरा ये, ओलंपिक्स का पहला ओलंपिक्स था मेरा ये। और काफ़ी मतलब 41 ईयर के बाद ये मेडल आया हमारा, तो हमारे देश के लिए और सभी हिमाचल प्रदेश के लिए और सभी के लिए बहुत मतलब मान वाली बात है कि हमारा मेडल आया हुआ है, तो जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, मेरे लिए नहीं बस इस मेडल के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी का वंस अगेन धन्यवाद, जिनका नाम नहीं ले पाया जहाँ ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम अगर गोल्ड लेके आऊँगा तो इससे और अच्छा बेहतरीन स्पीच भी करूँगा। और हाँ जी सर, विक्रम सिंह जडेजा जी सर, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, सॉरी सर मैं ना इतना ज़्यादा बोल नहीं पाता, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।